हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जैकबोर्ड क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सबका एग्जाम रूटीन आ चुका है। क्लास 10, 12 का 14 मार्च से शुरू है और क्लास 8, 9, 11 का 11 अप्रैल से एग्जाम शुरू है। 11, 12 को क्लास 9 का एग्जाम है, फिर क्लास 8 का एग्जाम 13 अप्रैल को है, फिर 17, 18, 19 अप्रैल को 11 क्लास का एग्जाम है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में ब्लूप्रिंट देखेंगे क्लास 8, 9, 11 का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट में कितना मार्क्स मिलेगा, कैसे इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं बनेगा वीडियो। स्किप कीजिएगा तो फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, उसके बाद फिर वही डाउट रह जाएगा कि क्या सर क्लास 8 में सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, क्लास 9 में सर बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। मतलब कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी कुछ लोगों को अभी भी डाउट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 8 में, ठीक है। क्लास 8 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रत्येक विषय से क्लास 8 में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 50 मार्क्स का भी एग्जाम होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब में 50-50 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चारों में से जो सही रहेगा उसको आपको कलर करना है इस तरीके से। मान कर चलिए दूसरा ऑप्शन सही है कोई क्वेश्चन का, तो इस तरीके से कलर कर देना है। ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा। अब देखिए क्लास 8 के लिए 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा सब सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है। ये सिर्फ 100 अंक का होगा, ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है। क्लास 8 में स्कूल की तरफ से आपको 100 अंक दिया जाएगा। अब 100 अंक का या तो स्कूल में छोटा सा टेस्ट हो सकता है, या फिर अगर टेस्ट नहीं हुआ तो आपका जो स्कूल में परफॉर्मेंस है, आप कितने होमवर्क बनाते हैं, क्लास में कितना ध्यान देते हैं, कितना अटेंडेंस है आपका, इस पर आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। आप टीचर्स का बात कितना मानते हैं, कितना क्लास में पढ़ाई करते हैं, ये सबको देखकर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा 100 मार्क्स का। आई होप क्लास 8 में सब क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि यहाँ पर 100 मार्क्स का होना चाहिए तो 50 मार्क्स का ही हो रहा है एग्जाम, ठीक है। 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो और 50 मार्क्स कहाँ से आएगा, तो समझ जाइए क्लियरली कि आप लोगों का सिर्फ 50 पूर्णांक रहेगा एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और अलग से ये तो 100 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन रहेगा वो अलग है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से फुल मार्क्स 50 का ही है, 100 नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्लास 8, 9 और 11, क्लास 8, 9, 11 में प्रत्येक विषय से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, और प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे क्लास 8 में एमसीक्यू होगा सेम उसी तरीके से, बस अंतर है क्लास 8 में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लास 9 और 11 में 40-40 क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक सब्जेक्ट से। अब देखिए प्रत्येक विषय में 10-10 अंक का आईए होगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट, जिसको हिंदी में आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, उसी को मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है आईए, इंटरनल असेसमेंट होगा 10-10 नंबर का हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से 10-10 नंबर का, जैसे कि मैंने क्लास 8 के लिए बताया, उस तरीके से या तो छोटा सा टेस्ट ले लेंगे टीचर, या फिर आपका जो क्लास में परफॉर्मेंस है, क्लास में कितना ध्यान देते हैं, कितना अटेंडेंस है, कितना होमवर्क बनाते हैं, ये सब पर आपको 10 अंक दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 50 इंटरनल असेसमेंट का फुल मार्क्स 50 होगा क्लास 9 के लिए, क्लास 9 के लिए। और क्लास 11 के लिए आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट कितना है, जितना भी सब्जेक्ट है उस पर हर एक सब्जेक्ट में 10-10 का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब देखिए क्लास 9 का ओनली 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। क्लास 9 का सिर्फ 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 5 सब्जेक्ट यानी कि जो एडिशनल है,
जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम नहीं होगा क्लास नाइन में, ठीक है। आपका एडिशनल जो भी हो, संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ मेन मेन सब्जेक्ट होगा, मेन पांच सब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का एग्जाम किस तरीके से होगा और पेपर वन पेपर टू इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। क्लास एट का एक ही दिन पूरा एग्जाम हो जाएगा, क्लास नाइन का दो दिन और क्लास इलेवन का लगभग तीन दिन में आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ग्रेड में आता है, ठीक है। क्लास एट नाइन का ग्रेड में आता है एंड इलेवन का भी आई थिंक ग्रेड में ही आता होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसको जानना बहुत ही जरूरी है ब्लूप्रिंट को, तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लीजिए कितना क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा। और अगर मैंने कुछ यहाँ पर कवर करना छोड़ दिया, कुछ और क्वेश्चन होगा इसके अलावा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ भी डाउट है उसे क्लियर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।